मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। उसकी एक वीडियो इंट्रोडक्शन की मैंने भेजी थी, उसके बाद कुछ पॉइंट्स लिखने को बोले थे, तो ये पॉइंट्स एक रेंडमली मैं समझा देती हूँ आपको, फिर हम एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट था वो था पॉलीगोन। तो पॉलीगोन क्या होते हैं? ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो खाली लाइन सेगमेंट से बनते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और क्लोज है, ओपन नहीं है। फिर ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है और ये भी लाइन सेगमेंट से बना हुआ है। तो ये कर्व्स, ये सारे पॉलीगॉन कहलाते हैं। लेकिन ये पॉलीगॉन नहीं है, डेटा आर नॉट पॉलीगॉन, क्योंकि ये एक तो ओपन है, क्लोज नहीं है, दूसरा ये कर्व लाइन से बना हुआ है, यहाँ से और यहाँ से। ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये कर्व है। ये कर्व नहीं है, ये स्ट्रेट लाइन है, लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये कर्व है, तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा। तो जो कर्व से बन रहा है वो पॉलीगॉन नहीं होगा। और दूसरा, ये फिगर जो है ये यहाँ से ओपन है, तो ये भी भले लाइन सेगमेंट से ये ट्रायंगल बना है, लेकिन ये आगे तक लाइन निकली हुई है। इसका मतलब क्या है कि ये आगे क्लोज नहीं है। अगर ये यहाँ से क्लोज होता तो ये पॉलीगॉन होता, लेकिन ये क्लोज नहीं है। और दूसरी चीज़, पॉलीगॉन के लिए ऐसे इंटरसेक्ट भी नहीं करना चाहिए, तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए भी ये पॉलीगॉन नहीं है। तो अगर लाइन सेगमेंट से कुछ बनता है फिगर, जैसे ये है, ये लाइन सेगमेंट से बना और क्लोज्ड है, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ खत्म हो गया। अब इसकी जगह मैं खाली ऐसा कर दूँ तो ये पॉलीगॉन नहीं होगा, क्योंकि ये ओपन है, भले ये लाइन सेगमेंट से बना है लेकिन ओपन है। तो ऐसे क्लोज्ड कर्व और ऐसे अगर क्लोज्ड कर्व लाइन से बनते हैं तो वो तो बिल्कुल भी पॉलीगॉन नहीं होते हैं, क्योंकि लाइन सेगमेंट नहीं है, तो लाइन सेगमेंट जरूर होना चाहिए। तो पॉलीगॉन का डेफिनेशन ये था कि ऐसे सिंपल क्लोज्ड कर्व जो लाइन सेगमेंट से बनते हैं वो पॉलीगॉन कहलाते हैं। पॉलीगॉन में भी डिपेंडिंग ऑन द साइड्स, की कितनी साइड है उस पॉलीगॉन में, उसके हिसाब से उसका नाम दिया जाता है। जैसे 3 साइड अगर है तो हम उसको ट्रायंगल बोलते हैं, 4 साइड वाला कोई भी पॉलीगॉन है तो वो क्वाड्रिलेटरल कहलाता है, 5 वाला पेंटागॉन, 6 वाला हेक्सागॉन, जैसे कि ये 6 साइड्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हेक्सागॉन है। फिर 7 वाला हेप्टागॉन, 8 वाला ऑक्टागॉन, 9 वाला नोनागॉन और 10 वाला डेकागॉन। इसी तरह से एन साइड हो तो एन गॉन करके इसके नाम होते हैं। तो 10 तक तो आपको लर्न करने ही है, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऑक्टा, नोना एंड डेका, ये 10 साइड में डेकागॉन। ये अगर आपको पता रहेगा तभी आप आगे सम कर सकते हैं कि है, आपको डायरेक्ट हेक्सागॉन दे दिया और आपको पता ही नहीं है कि हेक्सागॉन में कितनी साइड होती है, तो फिर आप सम कैसे करेंगे। तो इसलिए ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है और ये अच्छे से लर्न कर। फिर मैंने नेक्स्ट लिखवाया था डायगोनल्स। डायगोनल्स यानी मान लो ये रेक्टेंगल है तो इसके ऑल्टरनेट कॉर्नर्स को अगर हम मिला दें तो उसके डायगोनल्स कहलाते हैं। जैसे इसमें ये एक छोड़ के एक कॉर्नर, ये और ये मिला दिया, ये और ये मिला दिया, ये और ये, मतलब एक एक छोड़ के, तो ये डायगोनल कहलाते हैं। तो डायगोनल क्या होता है? डायगोनल इज अ लाइन सेगमेंट कनेक्टिंग टू नॉन कॉन्जिक्यूटिव वर्टाइसेस ऑफ अ पॉलीगॉन, ये वर्टाइसेस कहलाते हैं। वर्टाइसेस यानी कॉर्नर, नॉन कॉन्जिक्यूटिव, दो लगातार नहीं, एक छोड़ के एक को ज्वाइन करने वाली लाइन डायगोनल कहलाती है। अब डायगोनल निकालने के लिए आपको बोलेंगे कोई भी पॉलीगॉन दे देंगे, नोनागॉन दे दे, डेकागॉन दे दे, हेक्सागॉन दे दे, और आपको बोलेंगे कि उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होंगे। जैसे अगर स्क्वायर दे दिया, ये क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल दे दिया, ये 4 साइडेड है तो क्वाड्रिलेटरल है, तो इसमें कितने डायगोनल हुए? 2, 1, 2। तो ऐसे ही आपको नंबर ऑफ डायगोनल्स अगर निकालने हैं किसी भी गिवन पॉलीगॉन में तो उसका एक फॉर्मूला होता है, n n-3 / 2। ये n क्या होती है? नंबर ऑफ साइड। जैसे हेक्सागॉन बोल दिया तो कितनी साइड होगी? 6, तो 6 6-3/2, तो 6 × 6-3 का आंसर 3 आता है, तो 6 × 3/2 इस तरह से करेंगे। यानी इसे एग्जांपल बताया, जैसे पेंटागॉन का हमको डायगोनल्स, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने हैं, तो 5 साइड्स होती है, तो यहाँ नंबर ऑफ डायगोनल्स लिख देते हैं, नंबर ऑफ डायगोनल्स निकालने का फॉर्मूला है n n-3/2, तो 5 5-3/2, तो 5, और इसका आंसर × 2, 10/2 यानी 5 डायगोनल्स हो गए। तो ये डायगोनल का फॉर्मूला आपको याद रखना है, n n-3/2। फिर नेक्स्ट जो टॉपिक था वो टाइप्स ऑफ पॉलीगॉन, पॉलीगॉन कितने टाइप के होते हैं। वो पहला है कॉनकेव पॉलीगॉन। कॉनकेव पॉलीगॉन क्या होता है? जिसका एटलीस्ट 1 एंगल मोर देन 180 होता है, ये पॉलीगॉन है नो डाउट, पर इसमें अगर ये एंगल देखेंगे तो ये 180 से बड़ा है, ये कॉनकेव पॉलीगॉन कहलाता है, जो कि अंदर की तरफ लाइन जा रही है। यही अगर बाहर की तरफ होती तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन हो जाता, लेकिन ये अंदर की तरफ जाने से क्या हो रहा है कि ये एक एंगल, ये सारे तो 180 से छोटे हैं, लेकिन ये एक एंगल 180 से बड़ा हो रहा है, इसलिए ये कॉनकेव पॉलीगॉन होगा।
नेक्स्ट जो टाइप है वो है कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन क्या होते हैं, जिसके कि सारे एंगल 180 से लेस देन 180 होते हैं। ये देखिए, ये एक जैसे पॉलीगॉन मैंने बना दिया है रेक्टेंगल, उसके चारों एंगल 180 से छोटे होंगे। फिर तीसरा आता है रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन वो पॉलीगॉन होता है जिसकी सारी साइड्स भी इक्वल हो और सारे एंगल्स भी इक्वल हो। तो उसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स भी इक्वल होती है और तीनों एंगल्स भी 60-60 के होते हैं। तो ऑल द साइड्स एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो उसको हम बोलते हैं रेगुलर पॉलीगॉन। जैसे अगर आपको पेंटागॉन भी दिया पांच साइड वाला, तो पांचों साइड इक्वल होनी चाहिए, और पांचों साइड इक्वल होगी तो पांचों एंगल भी इक्वल ही होंगे। तो उसको हम रेगुलर पॉलीगॉन बोले, रेगुलर हेक्सागॉन, रेगुलर पेंटागॉन, रेगुलर क्वाड्रिलेटरल, चारों साइड इक्वल तो वो स्क्वायर होता है। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो रेगुलर पॉलीगॉन इक्विएंगुलर एंड इक्विलेटरल होता है। इक्विएंगुलर यानी सारे एंगल्स इक्वल होते हैं और इक्विलेटरल यानी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो वो रेगुलर पॉलीगॉन होता है। और इररेगुलर पॉलीगॉन इसका उल्टा होता है कि नाइदर साइड्स नोर एंगल्स आर इक्वल, ना तो साइड्स इक्वल होती है और ना ही एंगल्स इक्वल होते हैं, एंगल्स का मेजर भी अलग होता है। ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर नॉट इक्वल इस ट्रेपेजियम में नहीं है, इसलिए ये इररेगुलर पॉलीगॉन है। तो चार टाइप के हैं, कॉनकेव जिसमें एक एंगल 180 से बड़ा हो, कॉन्वेक्स जिसके सारे एंगल्स 180 से छोटे हों, रेगुलर जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल्स इक्वल हो, और इररेगुलर जिसमें एंगल्स और साइड इक्वल ना हो। ये चार पॉइंट है। अब एक और फॉर्मूला आपको याद करना है, एंगल सम प्रॉपर्टी। जैसे किसी ट्रायंगल की एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करें, तो ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल की बात करें, क्वाड्रिलेटरल जिसकी 60 साइड होती है, तो उसके चारों एंगल का सम कितना होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी 360 होता है। तो एंगल सम ऑफ क्वाड्रिलेटरल 360, एंगल सम ऑफ ट्रायंगल 180। तो इस तरह से आपको सारे एंगल्स का सम निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया होता है n माइनस 2 इंटू 180, जिसमें n नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो सम ऑफ एंगल्स ऑफ ऑल द फोर एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 360। फॉर्मूला टू फाइंड द एंगल सम ऑफ गिवन पॉलीगॉन इज n माइनस 2 इंटू 180। तो यह जो n होता है वो साइड होती है, जैसे पेंटागॉन है तो 5 माइनस 2 तो 3 होगा, 3 इंटू 180 540। तो पेंटागॉन के सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 540। ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, एक तो ये डायगनल का फॉर्मूला जो आपके बुक में नहीं दिया है वो मैं करा रही हूँ, वो ध्यान रखिएगा, और एक ये दूसरा ये सम एंगल सम निकालने का फॉर्मूला किसी भी पॉलीगॉन का। तो ये दो फॉर्मूले याद रखिए, इसी के ऊपर आपकी एक्सरसाइज है। अब हम एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। एक्सरसाइज 3.1 में ये 8 फिगर दिए हुए हैं और उसको आपको क्लासिफाई करना है। अगर आप ये देखेंगे तो ये लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, ये भी लाइन सेगमेंट से, ये कर्व है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन सेगमेंट है लेकिन इंटरसेक्ट कर रहा है, ये कर्व से बना हुआ है, ये लाइन और कर्व दोनों से बना है, ये लाइन और कर्व से बना है, और ये भी लाइन सेगमेंट और कर्व दोनों हैं, ठीक है। तो अब आपको इसमें अलग अलग क्वेश्चन पूछे हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है सिंपल कर्व, कर्व कौन कौन से हैं सिंपल कर्व। तो सिंपल कर्व में एक तो ये है, एक ये है 1 2, फिर ये तो नहीं है क्योंकि इसको बनाने के लिए आपको हाथ उठाना पड़ेगा। सिंपल कर्व वो होते हैं जो एक ही बार में आप बिना हाथ उठाए ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसको आप बिना हाथ उठाए ड्रॉ कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, एक सर्कल के बाद दूसरे के लिए आपको हाथ उठाना होगा। इसको भी आप ड्रॉ तो कर सकते हैं लेकिन ये इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये सिंपल कर्व नहीं है। ये है, ये भी है 1 2 5 6 और 7, ये भी है जिसको कि एक बार में, अब इसको बनाना है तो वो भी आपको हाथ उठाना पड़ेगा और ये इंटरसेक्ट भी कर रहा है। तो ऐसे कर्व जो बिना हाथ उठाए आप डायरेक्टली एक बार में बना सकते हैं वो सिंपल कर्व कहलाते हैं। अब बोल रहा है सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो क्लोज है ओपन नहीं, तो ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, क्योंकि कर्व को ही देखेंगे हम, इसको तो देखेंगे नहीं। ये 1 2 3 4 5, ये पाँचों फिगर जो है 1 2 5 6 7, ये क्लोज्ड कर्व भी होंगे और सिंपल कर्व भी होंगे। अब पॉलीगॉन की बात करते हैं। पॉलीगॉन यानी जो लाइन सेगमेंट से बने हुए, तो लाइन सेगमेंट से बने हुए ये दो फिगर है खाली 1 एंड 2, क्योंकि ये तो आपका लाइन सेगमेंट से नहीं बना है, इसमें भी कर्व आ रहा है, इसमें भी कर्व आ रहा है, तो ये 1 और 2 क्या होंगे, पॉलीगॉन होंगे। अब कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन यानी जिसके सारे एंगल 180 से छोटे हों, तो वो फिगर 2 होगा, क्योंकि इसमें तो ये 180 से बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा 2, और कॉनकेव में 1, क्योंकि ये 180 से बड़ा होगा, ये वाला एंगल। तो आपका आंसर आ गया, सिंपल कर्व में होंगे फिगर 1 2 5 6 7,
सिंपल क्लोज्ड कर्व में भी 1 2 5 6 7, पॉलीगॉन जो लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं वो 1 2, कॉन्वेक्स में 2 और कॉनकेव में 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। तो डायगोनल्स का फॉर्मूला मैंने लिखवाया था n n-3/2, जहाँ पे n नंबर ऑफ साइड्स होती है। तो कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल बोला है, क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो उसकी साइड्स कितनी होती है 4, तो 4 साइड्स होगी। तो डायगोनल निकालने का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पे n की जगह 4 4-3/2, तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने पे 1 आएगा, तो 4 × 1/2, तो 4/2 यानी 2 डायगोनल्स होंगे। इस फॉर्मूले में आप वैल्यू रखिए, आपके नंबर ऑफ डायगोनल्स आ जाएंगे। तो क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होंगे 2, जैसे कि हमने रेक्टेंगल में देखा था 2 ही डायगोनल थे। दूसरा है रेगुलर हेक्सागोन, रेगुलर हेक्सागोन यानी जिसकी सारी साइड्स सारी एंगल्स इक्वल हैं। हेक्सागोन यानी 6 साइड्स होता है, तो हेक्सागोन में एन की जगह पे 6 रख के हम वही कैलकुलेशन करेंगे, तो 6 6-3/2, तो इसका आंसर आता है तो 3 6×3/2 18/2 यानी 9 डायगोनल्स होंगे रेगुलर हेक्सागोन में। फिर आता है ट्राइंगल, ट्राइंगल में 3 साइड्स होती है, तो 3 साइड्स के हिसाब से अगर हम निकालेंगे तो 3 3-3/2, तो 3×0/2 आएगा, 3×0 0 हो जाएगा, 0/2 यानी 0 डायगोनल्स होंगे क्योंकि ट्राइंगल में एक भी डायगोनल नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ अ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स यानी आपको किसी भी क्वाड्रिलेटरल के, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सम ऑफ एंगल्स यानी अंदर के सारे एंगल्स का सम बताना है। तो फॉर एनी क्वाड्रिलेटरल टोटल साइड्स कितनी होती है 4, और सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है n-2×180, तो 4-2×180 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 2 2×180 360। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के अंदर का सम कितना होता है 360, और ये प्रॉपर्टी कॉन्वेक्स के लिए की जगह पे नहीं हो, अगर कॉन्वेक्स तो हो होल्ड करेगी तो यस, कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो उसका सम जो होगा वो दिस प्रॉपर्टी होल्ड फॉर क्वाड्रिलेटरल नॉट कॉन्वेक्स, क्योंकि उसका सम हमेशा अंदर के एंगल्स का सम 360 ही होगा, चाहे वो कॉनके हो या कॉन्वेक्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड है तो यही फॉर्मूला लगा के हम निकालेंगे, चाहे कॉन्वेक्स हो या कॉनके हो आंसर 360 ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो है, उसमें एग्जामिन द फिगर एंड फाइंड द सम ऑफ एंगल्स डिड्यूस्ड फ्रॉम दैट, यानी ये आपको बुक में करके दिया हुआ है कि ट्राइंगल बनाया हुआ है, तो ट्राइंगल की 3 साइड्स होती है, तो एंगल सम कितना होगा n-2×180 के हिसाब से 3-2×180, तो इसका 180, और हमको पता है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है 180 ही होता है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। फिर ये 4 साइड वाला क्या हो गया क्वाड्रिलेटरल, तो इसकी 4 साइड है तो वही फॉर्मूला लगाएंगे n-2×180, 4-2×180 यानी 2×180 होगा तो ये 360 आएगा। फिर ये कितनी साइड्स है 1 2, अंदर का नहीं देखना है आपको, बाहर की साइड देखनी है 1 2 3 4 5, टोटल साइड्स है 5, तो 5-2×180 होगा तो ये 540 यानी 5 साइड वाले का अंदर के एंगल का सम 540 होता है। फिर नेक्स्ट कितनी साइड है 1 2 3 4 5 6, बाहर वाला ही देखना है अंदर का नहीं देखना है, 6 साइड्स है तो 6 से निकालेंगे तो 720 होगा। तो इसके बाद आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन विद द गिवन साइड्स। आपको साइड दी हुई है तो ये होमवर्क में आपको करना है, इसी तरह से एंगल सम निकालना है n-2×180 करके, और इसका आंसर निकाल के आपको यहाँ पे लिखना है। तो ये जो क्वेश्चन है पूरा मैंने होमवर्क दिया है 7 8 10 और n, n है तो वही फॉर्मूला लिख देंगे n-2×180, क्योंकि एंगल सम क्या होगा n साइड से यानी नंबर ऑफ साइड्स हमको पता नहीं है, तो एंगल सम इक्वल्स टू n-2×180, बस इसमें आगे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी, फॉर्मूला ऐसा कैसा लिख देना है, ये फॉर्मूला लगा के आपको ये तीनों चीज़ें निकालनी है। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज अ रेगुलर पॉलीगॉन। रेगुलर पॉलीगॉन क्या होते हैं, जो इक्विलेटरल एंड इक्वी एंगुलर होते हैं, तो उसकी डेफिनेशन लिख दो। रेगुलर पॉलीगॉन, अ पॉलीगॉन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल द एंगल्स आर इक्वल आर कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। अब स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन, अगर 3 साइड्स है तो उस पॉलीगॉन का नाम क्या होगा रेगुलर पॉलीगॉन का, 3 साइड्स रेगुलर की बात कर रहा है यानी तीनों साइड्स इक्वल है, तो कौन सा ट्राइंगल होगा इक्विलेटरल ट्राइंगल। आप जस्ट ट्राइंगल नहीं लिखेंगे क्योंकि ये रेगुलर की बात कर रहा है, रेगुलर यानी साइड्स एंगल सब इक्वल है, तो 3 साइड्स वाले अगर साइड्स और एंगल दोनों इक्वल हों तो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइड्स वाले को हम क्वाड्रिलेटरल होता है लेकिन यहाँ क्वाड्रिलेटरल नहीं लिखेंगे, इक्वल साइड्स इक्वल एंगल वाला होता है स्क्वायर, जिसकी स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है और हर एंगल 90 डिग्री होता है, तो 4 साइड वाले में आप स्क्वायर लिखेंगे और नेक्स्ट 6 साइड में आप रेगुलर हेक्सागोन लिखेंगे। रेगुलर वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ये सारा हेक्सागोन जिसकी सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल लिखना है, ट्राइंगल नहीं लिखना है,
लिखना है, उसने पूछा है कि उसका नाम क्या है अगर उसके चारों साइड रेगुलर है तो स्क्वायर होगा और ये रेगुलर हेक्सागोन होगा, रेगुलर वर्ड लिखना जरूरी है। तो आप अभी क्वेश्चन नंबर 5 तक करिए, फिर आगे के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। इतना आप अच्छे से पढ़िए समझिए, कुछ डाउट है तो पूछिए, इतना करने के बाद आगे का हम एक्सरसाइज करेंगे। थैंक यू।